चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 5 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज का पॉइंट होगा सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका विश्लेषण करें। हेलो, यस सर। पहले इसको आप लोग सुन लीजिए, सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा। मैं आपको बता दूं, सेवा क्षेत्र आप जान चुके हैं, मैंने कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं कि जब हम कहीं सेवा, जब हम कहीं से सहयोग लेते हैं या देते हैं तो वह सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। और हम ये भी बताए थे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, ये सब सेवा क्षेत्र है, क्योंकि यहां से हम सहयोग लेते हैं। तो इसकी बुनियादी सुविधा अर्थात सेवा क्षेत्र के जो कम से कम भाग है वह उसकी बुनियादी सुविधा कहलाती है। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, ये सब सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा के अंतर्गत आते हैं। इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा। और मैं बता दूं आपको एक और चीज, कि किसी भी देश का सेवा क्षेत्र का विकास हो या आर्थिक क्षेत्र का विकास हो या अन्य क्षेत्र के विकास की बात हो, तब तक वह संभव नहीं हो सकती है जब तक कि सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा की स्थिति अच्छी नहीं होगी। अगर सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं जो है उसकी स्थिति जब अच्छी हो गई तो अपने आप चौमुखी विकास होने लगता है, हर क्षेत्र में विकास होने लगता है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा का क्या मतलब होता है। सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं का मतलब सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा का मतलब बिजली, सिंचाई, यातायात, परिवहन एवं दूरसंचार इत्यादि साधन से है। ये सुविधाएं विकास धारा के रीढ़ की हड्डी के समान है। इसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया संभव नहीं है। तो इस तरह से आपने सेवा क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाएं थी उसको हमने समझाया और लिखाया भी। अब अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बुनियादी का मतलब वो क्वेश्चन क्या, बुनियादी की यातायात क्या पूछे आप? यातायात एक बार क्वेश्चन कीजिएगा कि बारी बारी से क्वेश्चन कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि एक आदमी कर ये रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी भी कीजिएगा तो फिर किसका जवाब देंगे? पहले इन्होंने किया है यातायात, वो सुन लीजिए। यातायात का मतलब होता है किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना, अर्थात आपने जो कहीं जाते हैं या किसी सामान को जो भेजते हैं वह क्रिया यातायात कहलाता है। और संचार का मतलब होता है कि बात को, भाव को जो एक स्थान से दूसरे स्थान
भेजते हैं वह हो गया संचार, अर्थात टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब हो गया संचार। अब हम आगे बढ़े बुनियादी का मतलब है। बुनियादी का मतलब, बुनियादी का मतलब होता है वह क्षेत्र जिस पर कोई चीज टिका हुआ हो उसको कहते हैं बुनियादी। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका बीमारू, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग बीमारू। बीमारू एक नकारात्मक शब्द है जिसका उपयोग कहीं पर नकारात्मक स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसको कह सकते हैं कि निगेटिव स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इस शब्द का उपयोग भारत के उन राज्यों के समूह के लिए किया गया है जिन राज्यों में ये जो बुनियादी सुविधाएं हमने बताए थे उसकी अपार कमी रहती है और कमी है, जिसके कारण उसके विकास की स्थिति काफी मंद है, परिणाम स्वरूप वह गरीब है, तो गरीब बना हुआ है। उन राज्यों के समूह को बीमारू शब्द से पुकारा जाता है, उन्हीं राज के समूह को संक्षेप में बीमारू कहा गया है। जहां BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर उड़ीसा, सॉरी R फॉर राजस्थान, U फॉर उड़ीसा, मतलब इसमें दो दो शब्द करके उसका पूरा नाम है। इस तरह से आपने बीमारों को भी आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की बुनियादी सुविधाएं काफी कमजोर स्थिति में हैं, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। उन्हीं राज्यों के समूह को संक्षेप में बीमारू कहा जाता है, जहां BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, U फॉर उड़ीसा, प्रोग्राम चेंज कर दीजिए। इन राज्यों में बिजली, सिंचाई, यातायात, परिवहन, दूरसंचार इत्यादि की कमी रही है, जिसके कारण इसका विकास नहीं हो पाया है। तो आपने बीमारू क्या है, किसे कहते हैं, समझ गए।
अब भी अगर कोई दिक्कत है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, दूर संचार का अर्थ क्या है? दूर संचार का मतलब हुआ जिससे आप अपनी बात को दूसरे जगह भेजते हैं ना, वही व्यवस्था, वही साधन दूर संचार व्यवस्था हुआ। अर्थात मोबाइल जो हो गया आपका, टेलीफोन जो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब दूर संचार के अंतर्गत आते हैं। चलिए और कोई, चलिए तो शायद इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, अगला पॉइंट है आर्थिक आधारभूत संरचनाएं। इसको लिख लीजिए पहले बीच में। इसको भी पहले समझ लीजिए, पेन नीचे रखिए, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। इसमें है आर्थिक आधारभूत। तो आर्थिक मतलब रुपया पैसा, आधार मतलब बेस, कोई चीज जिस पर टिका हुआ रहता है वह आधार कहलाता है। आधारभूत संरचना, संरचना मतलब बनावट होता है, अर्थात जिससे हमारी देश हमको रुपया पैसा प्राप्त होती है वही आधार को आधारभूत संरचना कहते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि उन क्षेत्रों को आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब होता है बनावट, मतलब कि उसमें कौन कौन चीज मिला हुआ है वह उसकी संरचना कहलाते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं कि उन क्षेत्रों को आर्थिक आधारभूत संरचना कही जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में, उत्पादन मतलब किसी वस्तु को बनाने में, उत्पादन में एवं लोगों को खुशहाल बनाने में सहायता करते हैं, उसको कहते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना। अब जैसे बैंक, बिजली, सड़क, अस्पताल, ये सब क्या हो गया? बिल्कुल आर्थिक आधारभूत संरचना हो गया। इस ये हमें उत्पादन में भी सहायता करते हैं और हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने में या बनाने में भी सहायता करती है, इसलिए इसको आधारभूत संरचना कहा जाता है। तो आपने आर्थिक आधारभूत संरचना समझ गए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उन क्षेत्रों को आर्थिक आधारभूत संरचना कही जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों को खुशहाल बनाए रखने में सहायता करती है, जैसे बैंक, बिजली, शक्ति के स्रोत, रेल, सड़क, इंटरनेट, टेलीफोन, अस्पताल, सामाजिक चेतना आदि, ये सब आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो इस तरह से आपने आर्थिक आधारभूत संरचना को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें कहीं भी डॉट है तो आप पूछ सकते हैं। सामाजिक चेतना का अर्थ क्या हुआ सर? सामाजिक चेतना का मतलब हुआ कि आपको समाज में किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, इसका ज्ञान होना ही सामाजिक चेतना कहलाता है। वो भी आर्थिक आधारभूत संरचना है। अगर आप गलत तरीके से समाज में चलेंगे तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। जी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, आज की क्लास को यहीं पर बंद करना पड़ रहा है, विराम देना पड़ रहा है।